वेलकम टू आर्यन इंग्लिश क्लासेस। आइए आज हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का अध्ययन करते हैं। तो इसके पहले मैं सारे टेंस बना चुका हूँ। फ्यूचर परफेक्ट है और फ्यूचर परफेक्ट का दो ही बचा है। तो आइए फ्यूचर परफेक्ट में देखते हैं पाचार इसकी क्या है। ठीक है, अगर इसके पहले का नहीं देखना आप उसको भी देख लीजिएगा। तो पाचार फ्यूचर परफेक्ट ये चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुकूंगा, चुकेंगे, चुकेंगे। फ्यूचर परफेक्ट की क्या पाचार दोस्तों? चुकेगा, चुकेगी, चुकूंगा, ये भी आ सकता है। चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, ये भी शब्द आ सकते हैं। तो तीन शब्दों पर चुका का तीन पर ध्यान देना है। चुकेगा, चुकेगी, चुकूंगा, चुका होगा, चुकेंगे, ये सारे शब्द इसमें आते हैं। और कार्य से पता चलेगा कि भविष्य में कोई किसी निश्चित समय तक कार्य हो जाएगा। भविष्य में दिए गए समय तक किसी निश्चित समय तक काम हो जाएगा। ये भविष्य की बात किया जाएगी, भविष्य में किसी समय तक कोई काम हो जाएगा। तो अब इसमें प्राय दो कार्यों का भी वर्णन हो जाता है। तो जैसे पास्ट परफेक्ट में दो कार्यों का, तो दो कार्यों का वर्णन होगा तो आपके पहले समाप्त होने वाले को फ्यूचर परफेक्ट में लिखेंगे, बाद वाले को प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखेंगे। इतना ध्यान देना है, बाद वाले को किसमें लिखना है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। अक्सर तो एक ही कार्य करते हैं लेकिन दो कार्य भी आ सकते हैं इसमें। अब देख लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। जैसे कि सह क्रिया, इसमें आपको पता है विल हैव शैल हैव है, शैल हैव आईवी के साथ लगेगा, बाकी सभी के साथ विल हैव लगेगा। बाकी कौन सी फॉर्म? परफेक्ट टेंस है तो थर्ड फॉर्म लगेगी। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या? सब्जेक्ट विल हैव, शैल हैव, बल्कि थर्ड फॉर्म आप लिखेंगे। दोस्तों एक ऐसा स्ट्रक्चर दे रहे हैं चाहे आपका एक सेंटेंस हो चाहे दो सेंटेंस, सभी में यही काम देगा। अगर एक सेंटेंस आएगा आपको, तब तो आपको करना पड़ेगा सब्जेक्ट विल हैव, शैल हैव, बल्कि थर्ड फॉर्म आप लिखेंगे। केवल आपको इतना ही करना है। अगर दो वाक्य दिए गए हैं तो आपको यहाँ बिफोर से जोड़ देना, बिफोर जोड़ देना पहले की अंग्रेजी, सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट। दोस्तों इसमें बाद वाला बाद या पश्चात शब्द नहीं आता इस टेंस में, अक्सर आपको कोई किसी किताब में नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप करना चाहो तो आप यही सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म वाला स्ट्रक्चर पहले का तो आफ्टर करके इधर वाला बाद में का, तो पास्ट परफेक्ट देना आप खुद बना सकते हो। अगर बना नहीं चाहो फिर आज परीक्षा में बाद वाला नहीं आता, इसलिए मैं उसको दिए नहीं स्ट्रक्चर। ये एक ही स्ट्रक्चर से आपका काम चल जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देख लेते, वह शाम तक घर वापस आ चुकी होगी, तो वह शाम तक घर वापस आ चुकी होगी, तो इसकी अंग्रेजी होगी सी विल हैव। आपको पता है सी के साथ विल लगेगा, विल हैव वापस आना, कि चाहे आप रिटर्न कर दिए या कम है, सी विल हैव कम है, वहाँ वापस आ चुकी होगी। शाम तक की अंग्रेजी क्या होता है? बाई इवनिंग, बाई इवनिंग, बाई इवनिंग माने होता है शाम तक। इस टेंस में तक के लिए बाई लगा देते हैं, वैसे भी निश्चित समय पहले बाय लगता है, आपको पता है बाय के लिए दो शब्द हैं, लेकिन फिलहाल इसमें आप बाय लगाते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के तक के लिए बाय लगाते हैं। वर्षा होने से पहले पौधे सूख चुके होंगे, तो वर्षा होने से पहले आप देखिए पहले शब्द आ गया, आप पौधे सूख चुके होंगे, इसके लिए लिखेंगे। क्योंकि दो कारण, एक वर्षा हो रहा है, एक पौधे सूख रहे हैं, दो कारण है, तो पहले समाप्त होने वाले कारण पौधे को आप पहले लिखेंगे, पहले के आगे जो लिखेंगे पहले 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 पौधे सूख चुके होंगे। द प्लांट्स विल हैव सूखना, सूख पौधे सूख चुके होंगे या मर चुके होंगे, दोनों पे गई होगा ड्राई, जो भी है सूख के मर भी आ सकते हैं, मर चुके होंगे तब भी ड्राई। द प्लांट्स विल हैव ड्राइड, पौधे सूख चुके होंगे बिफोर। बारिश होने में गई या वर्षा होना, इट रेन्स, इट सब्जेक्ट के रूप में लगेगा। अब यहाँ इट एक वचन है तो एस एस जोड़ देंगे। देखिए स्ट्रक्चर में बताया वर्ब फर्स्ट फॉर्म, एक वचन है तो एस एस, अगर एक वचन नहीं है तो एस एस नहीं जोड़ेंगे। रिजेक्ट इंडेफिनिट का पूरा को लगाना पड़ेगा अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। दूसरा उदाहरण है, तुम्हारे आने से पहले मैं अपना कार्य समाप्त कर चुका। देखिए पहले मैं अपना कार्य समाप्त कर चुका, पहले तो काम होगा उसको लिखेंगे। तो आई शैल हैव फिनिश्ड अपना कार्य, कहेंगे माय वर्क, पहले कहेंगे बिफोर। हाँ, तुम्हारे आने का मतलब यू कम। अब यहाँ यू क्या है? यू को बहुवचन माना गया, यू सत्य शेष नहीं जुड़ता, तो आप मत जुड़िए। तो तुम्हारे आने से पहले मैं अपना कार्य समाप्त हो चुका हूँ। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद मैं रफ कर दूँ। चलिए आप इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट कर सकते हैं। चलिए अब मैं इसको ताकि आगे और देखिए एक रूल आपको और भी ध्यान देना है, इसका प्रयोग कहाँ होता है, क्योंकि आपको सिंगल वीडियो में सब कुछ इसका समझाने वाले हैं। देखिए भविष्य की संभावना, मतलब कि
कोई संभावना भविष्य की संभावना या कुछ भी हो तो भविष्य में कोई काम कब तक होगा तो फ्यूचर परफेक्ट कब प्रयोग करेंगे। एक जगह इसका प्रयोग और होता है कि संभावना कोई रहती है उसको बीती संभावना रहती है, भूतकाल की ही संभावना रहती है, पास्ट की तरफ इशारा करेगा, लेकिन तब भी आप फ्यूचर टेंस का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग कहाँ होगा, रूल आप लिख दीजिए, संभावना, संभावना बताने के लिए भी होता है, बताने के लिए भी फ्यूचर परफेक्ट का प्रयोग होता है, और वो भी पास्ट की संभावना रहेगी, पास्ट की तरफ जो है इशारा करेगी। और हिंदी में पहचान शब्द क्या आएगा, तब पहचान क्या आएगा हिंदी शब्द में, उस समय पहचान क्या रहेगा हिंदी के अंदर, होगा, होगा, होगी, ये शब्द आते हैं हिंदी। जब संभावना बताने के पास्ट की संभावना के बताने के लिए जो है पास्ट की तरफ संकेत करेगा, तो पहचान उसमें हिंदी वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में होगा शब्द आएगा। जैसे एग्जांपल देखते हैं, अब उसमें शायद का सेंस निकल आता है, अब निकलता नहीं तो शायद भी कह सकते हैं, तुमने सुभाष चंद्र बोस, ठीक है ना, सुभाष चंद्र बोस का नाम सुना होगा, सुभाष चंद्र बोस का नाम सुना होगा। अब देखिए यहां, तुमने सुभाष चंद्र बोस का नाम सुना होगा, संभावना व्यक्त की जाएगी आप सुने होंगे, तो शायद का संस्कार शायद आप सुने होंगे, तो यू इसके नहीं विल है, हर्ड, आपने सुना होगा या तुमने सुना होगा, क्या द नेम ऑफ सुभाष चंद्र बोस, यू विल हैव हर्ड द नेम ऑफ सुभाष चंद्र बोस। तो इसमें बीती बात है कि पहले आप सुने होंगे, लेकिन भविष्य में कहा जा रहा है, भविष्य के लिए पहचान आपको कहा कि आ रहा है, लेकिन आप बात है बीती, तो ऐसे संभावना बताने के लिए फ्यूचर परफेक्ट का प्रयोग होता है। अब एक बात यही जान लीजिए, इसी वाक्य में बात पर जोर देने के लिए मस्ट का, बिल की जगह मस्ट का प्रयोग होता है, ठीक है। अब इतना नोट कर लीजिए, संभावना बताने के लिए पास्ट की जो है वाक्यांश होगा, फ्यूचर परफेक्ट का प्रयोग होगा, लेकिन बात पर जोर देने के लिए, थोड़ा सा और आप नोट कीजिए, ऐसे वाक्य में बात पर जोर देने के लिए, बात पर जोर देने के लिए क्या करेंगे, मस्ट का भी प्रयोग करते हैं, कहां करेंगे, बिल या शैल के बाद मस्ट का प्रयोग करेंगे। जैसे यही वाक्य अगर ऐसे कर दें, इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है, शायद हटा देंगे, शायद नहीं आएगा, आपने सुभाष चंद्र बोस का नाम, यही आ जाएगा अवश्य सुना होगा, क्या अवश्य सुना होगा, आपने सुभाष चंद्र बोस का नाम अवश्य सुना होगा, तब उसकी अंग्रेजी क्या हो जाएगी, यू मस्ट हैव हर्ड, यू मस्ट हैव हर्ड द नेम ऑफ सुभाष चंद्र बोस, आगे सब कुछ चलेगा, यू मस्ट हैव हर्ड माने आपने अवश्य सुना होगा, अगर मस्ट हैव हर्ड आ जाएगा तो अवश्य सुना होगा। उसको अगर आप ट्रांसलेशन करते हैं, बोलते हैं, तो ऐसे वाक्य आपको बहुत ज्यादा आते हैं, अवश्य सुना होगा, आपने सुभाष चंद्र बोस का नाम अवश्य सुना होगा, आपने महात्मा गांधी का नाम अवश्य सुना होगा, आपने मदर टेरेसा का नाम अवश्य सुना होगा, ये सारे वाक्य जो है फ्यूचर परफेक्ट में ही बनेंगे, बिल या शैल के साथ हैव की जगह बिल या शैल की जगह मस्ट आ जाएगा, बस इतना अंतर है, स्ट्रक्चर सब वही रहेगा। आई होप समझ में आया होगा। चलिए और भी वाक्य देख लेते हैं, आपने मोदी का नाम सुना होगा, सुना होगा, चलिए इसको आप बना लीजिए। अब इसमें क्या है, अवश्य नहीं लगा, इसलिए इसमें शायद का सेंस आता है, शायद आप सुने होंगे, ऐसी बात बताया, यू विल हैव
हर्ड द नेम ऑफ मोदी, ऐसे बात कहते हैं आपने मोदी का नाम सुना। अब यही बात अगर बार बार जोड़ देना है तो ऐसे हो जाएगा आपने मोदी का नाम, यही बात देखिए ऐसे अगर आ जाएगा आपने मोदी का नाम अवश्य सुना होगा, अवश्य सुना होगा। अब दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, इसमें बात पर जोर दिया जा रहा है अवश्य सुना होगा, तो आपको लिखना पड़ेगा यू मस्ट हैव हर्ड, आपने अवश्य ही सुना होगा क्या द नेम ऑफ मोदी, इस तरह से आपको लिखना। चलिए और कुछ सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे आपने गीता पढ़ा होगा, पढ़ा होगा, अब इसमें अवश्य नहीं आया है तो शायद का सेंस रहा था, शायद आप पढ़े ये मतलब कहा जा रहा, तो यू विल हैव रीड गीता, आपने गीता पढ़ा होगा, तो सुना ही नहीं पढ़ा होगा जाना होगा देखा होगा कुछ भी हो सकता है, यू आपने ताजमहल देखा होगा यू विल हैव सीन द ताजमहल, आपने लाल किला देखा यू विल हैव सीन द, यू विल हैव सीन द रेड फोर्ट ताजमहल, जो भी रहेगा आप इस तरह से आप इसी स्ट्रक्चर करेंगे, लेकिन इसीलिए अवश्य आ जाएगा अवश्य पढ़ा होगा तब बिल की जगह क्या आ जाएगा मस्ट आ जाएगा, यू मस्ट हैव सीन द ताजमहल, यू मस्ट हैव रीड द गीता, इस तरह से आ जाएगा स्ट्रक्चर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, इसी इस तरह से इसका प्रयोग हो जाएगा। हाँ दोस्तों अब आप अफर्मेटिव समझ में आ गया होगा, चलिए निगेटिव देख लेते हैं। निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है देखिए स्ट्रक्चर पूरा यही रहेगा निगेटिव सेंटेंस में, केवल यही विल या शैल के बाद हम नॉट लगा देंगे, ध्यान देना है कि दो पार्ट में जब भी शायद की रहेगी पहले पार्ट के बाद और दूसरे पार्ट के बाद पार्ट पहले नहीं के लिए क्या लगा देते हैं नॉट लगा देते हैं, तो यू सब्जेक्ट विल या शैल नॉट हैव परफॉर्म ऑब्जेक्ट एज, उदाहरण देख लेते हैं। हम 10 बजे तक या फिर देख नहीं देखते होंगे, हम 10 बजे तक या फिर नहीं देख चुकेंगे, हम 10 बजे तक या फिर नहीं देख चुकेंगे, तो हो जाएगा सब्जेक्ट भी शायद क्रिया के साथ सह लगता है, नहीं भी ना करा देंगे, है वॉच दिस मूवी बाई 10 o'clock, वी शैल नॉट हैव वॉच दिस मूवी बाई 10 o'clock, हम 10 बजे तक हम फिल्म नहीं देख चुके होंगे, इस तरह से निगेटिव सेंटेंस में नॉट लगाना, अगर नहीं नहीं होता तो वी शैल हैव वॉच दिस मूवी, इस तरह से हो सकता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब सिंपल सेंटेंस था, इसमें दो कार नहीं है तो दो कार नहीं है तो आप मत लिखिए, बिफोर बिफोर 10 o'clock आपको क्या केवल फ्रेज था। अब चलिए हम इंटरोगेटिव देख लेते हैं, आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा, इसकी कोई दिक्कत नहीं आप कर ले जाएंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस में होता क्या है देखिए दोस्तों, उसमें दो प्रकार के होते हैं आपको पता है, फर्स्ट टाइप, फर्स्ट टाइप में क्या शब्द आता है तो उसमें क्या किया जाता है विल या शैल पहले हो जाता है, उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखते हैं, अब सब्जेक्ट के बाद अगर नहीं है तो नॉट नहीं तो सब कुछ वही रहेगा, आप लास्ट में प्रश्न वाचक का निशान लगा देंगे। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं, क्या सूर्य निकलने से पहले क्या सूर्य निकलने से पहले वह खेत में जा चुका होगा, क्या सूर्य निकलने से पहले वह खेत में जा चुका होगा, तो क्या है बिल, देखिए क्या वह खेत में जा चुका होगा पहले इसके अंग्रेजी बनाए पहले या और के आगे वाले की बनाते किसे पता है, बिल उपवाद अंग्रेजी की नाट तो है नहीं है आ जाएंगे गां कहां खेत में इन द फील्ड, will he have gone in the field, क्या वो खेत में जा चुका होगा, पहले के लिए बिफोर सूर्य निकलना
द सन राइज विल ही हैव गॉन इन द फील्ड. इन द फील्ड माने खेत में होता है. वैसे गति प्रकट होने के लिए बाहर से खेत के अंदर जाएंगे तो इनको का भी अनुभव कर सकते हैं. तो बेटा इन द क्योंकि बाहर से खेत के अंदर जाएंगे तो इनको भी लगेगा तो अंदर नहीं आएगा तो पहले से. तो विल ही हैव गॉन इन टू द फील्ड. क्या वो खेत में जा चुका होगा. अब यहाँ सूर्य वचन था तो राज लगा देगा. यहाँ लास्ट में प्रश्न चक्र हिस्सा लगा. इस तरह से होता है. अगर यही बात ऐसा होता है क्या सूर्य निकालने से पहले वह खेत में अगर यही आ जाएगा नहीं नहीं जा चुका होगा तब आपको क्या करना पड़ेगा. विल ही नॉट हैव गॉन इन टू द फील्ड. क्या वह खेत में नहीं जा चुका होगा. बिफोर द सन राइज. इस तरह से आप निगेटिव सेंटेंस भी बना सकते हैं. आइए दोस्तों सेकंड टाइप भी देख लेते हैं. सेकंड टाइप में क्या होता है. क्वेश्चन वर्ड बढ़ जाता है उसके बाद सब्जेक्ट नहीं है तो ना सब कुछ वही रहेगा. कुछ चेंजिंग नहीं होगा केवल क्वेश्चन वर्ड बढ़ेगा. आप पीछे से ही पढ़ने चले आए हैं. चलिए इसका एग्जांपल देख लेते हैं. कमल के बगीचे में पहुंचने से पहले पहले श्याम फूल श्याम तोड़ चुकेगा. चुकेगा या चुका होगा. तो कमल के बगीचे पहुंचने से पहले श्याम फूल क्यों तोड़ चुकेगा. तो पहले श्याम फूल क्यों तोड़ चुकेगा. सेकंड टाइप इसके लिए किए क्योंकि अंग्रेजी भाई श्याम साथ मिली लगेगा. वाई विल श्याम उसके बाद नॉट है नहीं तो हैव लगा दिए. हैव प्लग्ड तोड़ने के लिए हो गया. तो क्या तोड़ चुके फ्लावर. प्लग द फ्लावर. वाई विल श्याम हैव प्लग्ड द फ्लावर. पहले कैंडल नहीं हो जाएगा बिफोर. अगला सब्जेक्ट क्या है. कमल. बिफोर कमल. अब देखिए क्या है. कमल एक होता है तो रिसेस कहते हैं. रिसेस कहाँ पहुंच रहा है. बगीचे में. द गार्डन. देखिए रिसेस के साथ क्या होता है कि इन नहीं लगाते हैं क्योंकि कोई समय लगता अपने आप उसमें छिपा रहता है किसी स्थान में ही पहुंचता है. तो उसमें मैं क्या करें कि अलग से नहीं लिखा है. रिसेस द गार्डन. रिसेस द स्कूल. स्कूल में पहुंचना. रिसेस द स्कूल. बाजार पहुंचना. रिसेस इस तरह से होता है. वाई विल तो ग्रामर का ये रूल है. रिसेस के तुरंत बाद आता है फिर तो प्रीपोजिशन लिखने की होती है. Why will Sam have plucked the flower before Kamal reaches the garden? इस तरह से आप negative interrogative का second type बना सकते हैं. अब यही देखिए दोस्तों अगर इसमें Sam फूल क्यों नहीं तोड़ चुका होगा. अगर इसमें नहीं शब्द आ जाएगा तो नहीं आएगा तो क्या करना पड़ेगा. तो why will Sam not have कर दिए. structure तो आपको बताया गया सब्जेक्ट बाद ना not नहीं रहता तो लगाते नहीं तो नहीं लगाते हैं. इस तरह से आप future perfect tense का भी बना सकते हैं. दोस्तों आई होप आपको समझ में आया होगा. वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए. इसके बाद हम जो अपने कंटेंट्स की डालेंगे अब बाकी ग्रामर की वीडियो डालते रहेंगे. आप अच्छी से अच्छी जानकारी प्राप्त करते रहेंगे और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए क्योंकि सभी लोगों को इसकी अच्छी जानकारी है उसके. थैंक्स फॉर वॉचिंग. कीप लर्निंग. कीप सपोर्टिंग. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.